वेल हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इसकी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक आज हमें 1.75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, और फिलहाल स्टॉक हमें AIM लिस्ट में देखने को मिलता है, जिस वजह से स्टॉक में हमें सिर्फ मंडे मंडे ट्रेडिंग होती हुई नज़र आती है। और साथ ही आप नज़र डालोगे रिलायंस कम्युनिकेशन पर तो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज के आसपास घूमते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप नज़र डालो 1.60 रुपये से 1.80 रुपये के आसपास ये काफ़ी लंबे समय से घूमते हुए नज़र आ रहा है, जिसके पीछे जो दो मेन रीज़न है। पहला, ऐसे स्टॉक्स में अक्सर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, और जो दूसरा एक मेन रीज़न है एक ही प्राइस रेंज के आसपास घूमने का, वो है NCLT कोर्ट में। आपने नज़र डालो कोई भी स्टॉक जब NCLT कोर्ट में जाता है तो वो एक ही प्राइस रेंज के आसपास काफ़ी लंबे समय तक घूमते हुए नज़र, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप नज़र डालोगे तो फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज, सभी सेम इसी के तरह उनका भी सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन आपको एक अच्छे खासे टारगेट शो कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन आपको एक अच्छे खासे टारगेट शो कर सकता है, जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से एक न्यूज़ चल रही थी रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर पे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी की थी मेरे पुराने वीडियोस में, जहाँ पे मार्केट में न्यूज़ काफ़ी लंबे समय से चल रही थी कि GTL इंफ्रा NCLT कोर्ट से रिलायंस कम्युनिकेशन को बाई कर सकता है। और उसके बाद आप नज़र डाल दो, एक न्यूज़ ये भी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी कि गौतम अडानी भी GTL इंफ्रा को बाई कर सकता है। लेकिन आज हमें काफ़ी बड़ी न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ पे एक न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे मुकेश अंबानी जी को टक्कर देने के लिए गौतम अडानी बहुत जल्द लॉन्च करेंगे फ्री 5G इंटरनेट सर्विसेज, और बहुत जल्द वो अपनी सिम्स भी इंडिया में लॉन्च करते हुए नजर आए। तो देखा है तो ये सभी न्यूज़ को हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ चल रही कि GTL इंफ्रा को बाई करेंगे, तो कभी कभी ये न्यूज़ आ रही कि GTL इंफ्रा रिलायंस कम्युनिकेशन को बाई करेंगे। और इन दोनों स्टॉक्स पर आप नज़र डालें तो एक ही प्राइस रेंज के आसपास हमें काफ़ी लंबे समय से घूमते हुए नजर आए, चाहे वो GTL इंफ्रा पर नज़र डालो, चाहे आप रिलायंस कम्युनिकेशन पर नज़र डालो, दोनों स्टॉक में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। तो ये देखा सकते हैं आने समय में इस पर हमें कोई फाइनल अप्रूवल देखने को मिलेगा, कोई फाइनल न्यूज देखने को मिलेगी, तो स्टॉक हमें एक अच्छी खासी रैली शो कर सकता है। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे भी यही लगता है बहुत जल्द हमें रिलायंस कम्युनिकेशन में कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। और वहीं पे बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन के करंट सीनियर की, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए नजर आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को ये लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक डीलिस्ट भी हो सकता है और हमारे लगा हुआ पैसा इसमें जीरो भी हो सकता है। और मैं पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों कहूँ तो मुझे लगता है स्टॉक ऐसे आने वाले समय में अच्छा खासा कमबैक करते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि आप रिसेंटली नज़र डालोगे अनिल अंबानी के जितने भी स्टॉक्स थे जो रिसेंटली हमें सभी के सभी -99% के आसपास गिरते हुए नज़र आए थे, लेकिन आप धीरे धीरे नज़र डालोगे, फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर पे, रिलायंस कैपिटल पे, रिलायंस नेवल, सभी के सभी हमें धीरे धीरे राइज होते हुए नज़र, और सभी के सभी धीरे धीरे फंडामेंटली स्ट्रांग भी होते हुए नज़र आए। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें रिलायंस पावर की, तो उसका भी बैंकों के साथ सेटलमेंट होते हुए नज़र आ, जिस वजह से स्टॉक में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। और साथ ही बात करें रिलायंस कैपिटल की, तो वो स्टॉक भी NCLT के थ्रू अब हिंदुजा ग्रुप के हाथ में जाते हुए नज़र आ, हिंदुजा ग्रुप इंडिया का काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो देखा है तो फिलहाल स्टॉक हमें एक सेफ हैंड में जाते हुए नज़र आए। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशन भी हमें एक अच्छा खासा सेटलमेंट इसमें देखने को मिलेगा, और 100% देखने को मिलेगा। और वहीं पे बात करें NCLT कोर्ट की, तो NCLT कोर्ट ने करीब करीब 3 या 4 महीने के आसपास जो रिलायंस कम्युनिकेशन है रियल इस्टेट के असेट्स को उसे सेल करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन करीब करीब आप देखोगे करीब करीब 3.5 या 4 महीने के आसपास का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमें उस पर कोई फाइनल अप्रूवल या कोई फाइनल अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो यही मेरा मानना है कि अभी तक स्टॉक में कुछ होना रहता, अगर स्टॉक को डीलिस्ट होना रहता तो स्टॉक में हमें कोई अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलती, लेकिन अभी तक आप नज़र डालोगे NCLT कोर्ट से हमें कुछ ऐसा बड़ा अपडेट या कोई ऐसी एक सिंगल न्यूज़ भी हमें देखने को नहीं मिल रही। कई अपडेट्स हमें इसमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी तक हमें इस स्टॉक में एक सिंगल अपडेट देखने को नहीं मिली 15 दिसंबर के बाद। तो यहाँ से हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो 100% खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के ये भी मैसेज आते हैं क्या हमें अपनी होल्डिंग यहाँ पे सेल करनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप नज़र डालोगे स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके, तो लॉस में सेल करने से अच्छा आप इसमें अभी भी बने रह सकते हो, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, कि बेटर ऑप्शन नज़र आ रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन।
तो फिलहाल देखा है तो रिलायंस कम्युनिकेशन में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो देखने को नहीं मिल रही। जस्ट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, बाय सेल आपकी मर्जी। और जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन में कोई लेटेस्ट अपडेट या कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड पर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।